Hello, boss. Hello, friends. Everything is vibrating. सब कुछ में वाइब्रेशन होता है. कोई भी ऐसा चीज देखिए कि जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है. बताइए, आपके किचन में जाओ, जब उसमें चावल बार पकाते तो रख देते हो ढक्कन, तो भी वाइब्रेट होने लगता है. जब ट्रेन का आविष्कार किया था, स्टीम ट्रेन से इंजन को, तो कौन था? तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, बोला कि आखिर ट्रेन कैसे चलेगी. तो उसने देखा, वो देखा कि स्टीम में कितनी पावर है. आपका होज पाइप भी स्टीम से पक जाता है ना, पानी गर्म करके स्टीम देते हैं. देखा कि जब पानी को गर्म हो रही है, चावल पक कर रहा है, तो ऊपर ढक्कन दे रहे, तो ऐसा ऐसा मार दे रहा उसको, स्टीम निकल रहा तो ढक्कन को फेंक दे रहा. तो इसमें कितनी पावर है यार. तो उसने ट्रेन का आविष्कार कर दिया, पानी भर दिया और कोयला जलाना शुरू किया और इंजन को धक्का देने लगा, इंजन चलने लगा यार. तो पहले, आज से कई साल पहले, डीजल नहीं था, करंट नहीं था, तो लोको ट्रेन चलती थी. ठीक है, अब देखा पुराना पिक्चर में, एक डाल रहा है, एक डाल रहा है, चल रहा है, चल रहा है. कौन सा पिक्चर में देखो? क्रांति पिक्चर में देखे, गदर में देखे ना, जो डालने लगाता है. कौन सी हीरोइन रहती है हमेशा रोए रोए सा शकल रहता है उसका, क्या नाम रहता है उसका? सनी देओल रहता है हीरो, और निशा पटेल हमेशा रोते रोते लगते सो के उठी है. उसके लिए दीवाना हो गए, पाकिस्तान चला जाता है वो, कोई वाला उसमें डालना है. तो कहने का मतलब यह है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, सब कुछ में वाइब्रेशन होता है. अब एक चीज बताइए, एक लड़की को एक लड़का टच करता है ना, खाली हाथ टच करेगी तो उसका पूरा वाइब्रेट होने लगेगा शरीर, और लड़का को भी लड़की टच करेगी तो वाइब्रेट होने लगता है. होता है नहीं होता है? होता है. आपको कोई टच किया नहीं किया? नहीं किया था, मैं टच करके देखता हूँ, देखो आपको पूरा सिहरन होने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा. तो एवरीथिंग से वाइब्रेटिंग, जैसे आप कुछ भी पकड़ोगे तो वाइब्रेट होगा. करंट भी ऐसे पकड़ोगे तो आपको वाइब्रेट करेगा पहले. तो सब कुछ में वाइब्रेशन होता है. जब हम आपको कॉल करते हैं तो साउंड जब जाता है तो वाइब्रेट होकर फिर वहां तक ट्रांसफर होता है. आप जब हमको, हमारी आवाज जब आप तक पहुंच रही है तो कान में झिल्ली होती है, जैसे कि आप बजाते हो ना कुछ, तो और रिफ्लेक्ट होता है और वाइब्रेट होकर के आपको कन्वर्ट हो जाता है साउंड में. पानी में भी, जैसे आप बोतल में पानी भर दीजिए और जोर से बोलिए तो पानी भी वाइब्रेट हो जाता है. आप पानी में डीप पहुंच जाएगी, एक तरंग बनता है, बनता है ना? तो सब कुछ वाइब्रेट होता है. जब वाइब्रेट नहीं होगा, एक देखो कोमा में लोग चला जाता है, एक इंसान जो है जब कोमा में चला जाता है तो उसका कुछ भी वाइब्रेट नहीं होता है. मतलब वाइब्रेट नहीं हो रहा, इसका मतलब कोमा में है. उसको बोलोगे सुनेगा नहीं, खाली देखते रहेगा, खाली एक तक आपको देखते रहेगा. मतलब अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा कोई भी आदमी में, तो दैट इज ए डेथ, मतलब एक तरह से मरा हुआ है. तो आप कोई भी काम करते हो, कुछ भी सीखते हो, तो आपको वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी होता है. जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो आप एक एबनॉर्मल आदमी हो, आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते हो. वाइब्रेशन होना चाहिए. मतलब एक छिपकली आती है तो लग, अरे अरे वो छिपकली आ गई. जब आप कहीं बाहर से आते हो, एसी में जाते हो, मजा आ गया, रिलैक्स हो गया, आपका वाइब्रेशन हुआ. जब आप बाहर से एसी से निकलते हो, बाहर कड़वी धूप, अरे बाबा क्या धूप है, लाइट आते ही आपका शरीर वाइब्रेट हो गया, हुआ ना? तो सब कुछ वाइब्रेशन होता है. अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो वो जो है पर्सन नॉर्मल नहीं है.
अगर नॉर्मल रहेगा तो उसको वाइब्रेशन का मालूम होगा, फीलिंग होगा। आँख से वाइब्रेशन होता है, पहले प्यार कैसे होता है, आंखों में, आंखों में, और वो आंख में देखता है, वो भी आंख में देखती है, दोनों का तो एक दूसरे के अंदर प्रतिबिंब बनता है, वाइब्रेशन होने लगता है, वो वाइब्रेशन लिप्स में आता है, और लिप्स जो है वाइब्रेट होकर के कनेक्ट होकर एक चेहरे पे चीक पे के झुरिया बनने लगती है, यहाँ पर एक उसका इसका प्रतिबिंब में लिखावट आने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, फिर अब पूरा उसका बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है। तो वाइब्रेटिंग जरूरी है। वाइब्रेटिंग का मतलब है जैसे किसी लेडीज का आप गर्दन को टच कर दो, खाली इसे सहला दो, उसका शरीर पूरा वाइब्रेट हो जाएगा, उसका खाली एक चीक वाइज हाथ फेर दो, पूरा वाइब्रेट हो जाएगा। तो वाइब्रेशन क्या है, एक आपका एक माउस रहता है, जैसे उसको इससे आप फिंगर से कर देते हो लैपटॉप पे, वाइब्रेट होकर आपको पूछता है कहाँ पर जाना, कहाँ पर जाना, तो सब कुछ तो वाइब्रेशन होता है सर। एवरीथिंग इज ए वाइब्रेटिंग, एवरीथिंग इज ए वाइब्रेटिंग। आपका फोन भी जब आता है ना तो रिंग होने से पहले वाइब्रेट होता है, आ गया आ गया। मशीन भी आप चालू करते हो ना तो पहले वाइब्रेट होता है तब चालू होता है। तो एवरीथिंग इज ए वाइब्रेटिंग। नमस्कार, धन्यवाद।